हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं एक और शानदार वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हूं। सो फ्रेंड्स, आज अपन एक और ट्रिकी प्रोग्राम या एक और शानदार प्रोग्राम, कुछ नया प्रोग्राम जो आम तरीके से यूट्यूब वगैरह पे नहीं होता है ना, ऐसे ही कुछ शानदार प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। तो आज के प्रोग्राम में अपन सीखेंगे कि कैसे अपन किसी डिस्क का है ना, जो डिस्क होती है, ड्राइव होती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, कैसे हम इसका फ्री स्पेस पता कर सकते हैं या फिर टोटल स्पेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएचपी के प्रोग्राम की मदद से। वैसे तो हमें सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे इस ड्राइव में 71.3 GB रिमेनिंग है या फिर टोटल स्पेस इसका इतना है, ठीक है। तो ये तो अपन को दिख ही रहा है सामने, लेकिन प्रोग्राम की मदद से कैसे अपन फ्री स्पेस या टोटल स्पेस पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामर हर चीज़ को प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहता है ना, क्या पता कब किस मोड़ पे अपन को किसी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में या कोई वेब एप्लीकेशन बनाने में इसका यूज़ आ जाए, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास हर तरीके के हथियार मौजूद होने चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामर हर चीज़ प्रोग्राम के थ्रू करना चाहता है, क्योंकि सोचने वालों की दुनिया दुनिया की सोच से थोड़ी अलग होती है, भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। तो इसी सोच के साथ अपन आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो तैयार हो जाइए आज के रोलर कोस्टर लेक्चर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन दो फंक्शन यूज़ करेंगे, डिस्क फ्री स्पेस एंड डिस्क टोटल स्पेस, ठीक है। और आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मेरा सी ड्राइव है उसमें कितना फ्री स्पेस रिमेनिंग और कितना फिल है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ये प्रोग्राम बना रहे हैं। सो मैं इजी पीएचपी सॉफ्टवेयर की मदद यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये आइकॉन आएगा, इस पर राइट क्लिक करके आप लोकल वेब पे क्लिक कर देंगे तो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ओपन है। प्रोग्राम्स अपन बनाते हैं www के अंदर, तो एक मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना दी, कुछ भी इसका नाम दे दिया मैंने, डिस्क स्पेस, ठीक है। डिस्क स्पेस और पीएचपी की फाइल है तो एक्सटेंशन रहेगा .php। राइट क्लिक करके नोट पैड प्लस प्लस के साथ इसको ओपन कर लिया। सबसे पहले पीएचपी का ओपनिंग टैग, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ओपनिंग टैग ऑफ पीएचपी। और क्लोजिंग टैग लगाना कंपलसरी नहीं होता है, आपकी इच्छा है, अगर लगाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे डिस्क फ्री स्पेस, फंक्शन है पीएचपी का प्री डिफाइंड फंक्शन, उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, दी डिस्क फ्री अंडरस्कोर स्पेस फंक्शन रिटर्न्स दी फ्री स्पेस इन बाइट्स ऑफ दी स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। ठीक है, तो डिस्क फ्री स्पेस सबसे पहले अपन इस फंक्शन के साथ डील करेंगे। तो ये फंक्शन हमें क्या करता है, रिटर्न करता है कि फ्री स्पेस कितना रिमेनिंग बचा है किसी ड्राइव में, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, किसी ड्राइव का नाम आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा, आप किसका फ्री स्पेस आइडेंटिफाई करना चाहते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, है ना। तो ड्राइव का नाम इसके अंदर एज आर्गूमेंट पास करेंगे और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा फ्री स्पेस इन बाइट्स, बाइट्स के फॉर्म में ये हमें रिटर्न करेगा। फिर आप उसको चाहो तो जीबी इसमें और एमबी इसमें शो कर सकते हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैसे अपन उसको जीबीस और एमबीस में शो कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली पहले बाइट्स में देखते हैं। तो अपन ने यहाँ फंक्शन यूज़ कर लिया डिस्क अंडरस्कोर फ्री अंडरस्कोर स्पेस, ठीक है। दैट वाज द प्री डिफाइंड फंक्शन और इसके अंदर मैंने पास कर दिया सी ड्राइव, सी कॉलन, ठीक है, सी कॉलन बस हम लिखेंगे। और इसको हम चला के देखते हैं, यहाँ सेव किया, ब्राउज़र पे जाके अपन ने रिफ़्रेश कर लिया तो इस लिस्ट में हमारा ये प्रोग्राम आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर प्रोग्राम डिस्क स्पेस .php। इसको रन किया तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 7630980714। तो डिस्क फ्री स्पेस हमें फ्री स्पेस देता है, लेकिन वो कैसे देता है,
बाइट्स के फॉर्म में हमें रिटर्न करता है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे जीबीस में दिखाना है, ठीक है, जीबीस में दिखाना है, तो क्या करोगे? तो अपन को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कन्वर्जन वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे हम एमबीस को जीबीस को एमबीस टेराबाइट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं। तो मैं यहाँ कमेंट में आपको बता देता हूँ। हमारा जो 1 बाइट होता है वो इक्वल होता है 8 बिट्स के। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, एंड 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, किलोबाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में के बी लिखते हैं। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। सिमिलरली 1 मेगाबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट होता है। सो 1 मेगाबाइट कितना होता है वो देखते हैं, ठीक है। आप बताइए 1 मेगाबाइट कितना होता है। मेगाबाइट को अपन शॉर्ट फॉर्म में एम बी लिख सकते हैं। 1 मेगाबाइट इक्वल टू, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 KB, किलोबाइट, ठीक है। बट किलोबाइट तो हो गया, लेकिन हमें इसको बाइट में भी कन्वर्ट करना चाहिए। बाइट में अगर इसको अपन कन्वर्ट करते हैं तो इसमें रहेगा 1048576 बाइट्स, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर पता करना है 1 गीगाबाइट कितना होता है, 1 गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं जीबी। जीबी इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। 1024 MB मिलके 1 गीगाबाइट बन जाता है। और इसको अगर बाइट्स के फॉर्म में आप लिखोगे तो वो रहेगा, सॉरी, ये जो अपन ने लिखा ये किलोबाइट को अपन बोलते हैं, इतना इक्वल टू, नहीं, दैट इज राइट, 1024 बाइट्स इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1048576 बाइट्स। और इसी तरह 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स रहेंगे? इसमें बाइट्स रहेंगे 1073741824 बाइट्स, ठीक है। 1073741824 बाइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो मुझे तो बाय हार्ट याद है, लेकिन आपको याद इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स आप याद करना तो आपको आसानी होगी इस प्रोग्राम में, ठीक है। क्योंकि अपन ये बाइट्स के फॉर्म में जो आ रहा है उसको मैं गीगाबाइट के फॉर्म में शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे अपन गीगाबाइट में शो करेंगे? तो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बना दिया साइज नाम का। किसी भी नाम का अपन वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल बनाते समय, वेरिएबल यूज़ करते समय पीएचपी में आगे अपन लगाते हैं डॉलर। तो डॉलर साइज इक्वल टू कर दिया। फिर से मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लिया, कॉपी किया। मैं चाहता हूँ बाइट्स के फॉर्म में ना आए, जीबीस के फॉर्म में आए, क्योंकि यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं तो ये अपन को जीबीस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। 71.3 बाइट के फॉर्म में तो शो कर ही दिया, मैं जीबी के फॉर्म में भी शो करना चाहता हूँ। तो मैंने स्पेस पता किया और इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया बाइट्स के फॉर्म में उसको अपन ने असाइन कर लिया डॉलर साइज नाम के वेरिएबल में। अब इको से अपन दोबारा इसको प्रिंट करवा लेते हैं। इको से अपन प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आए, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट इससे अपन को दिख रहा है बाइट्स बाइट्स के फॉर्म में। मैं चाहता हूँ उसके बाद वो नीचे लाइन में आए, तो एक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक के बाद अपन ने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा डॉलर साइज। डॉलर साइज में क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है सी ड्राइव में, फ्री स्पेस कितना है। बाइट्स के फॉर्म में यहाँ पे आ गया था, उसको अपन डिवाइड कर दें। अगर इससे बाइट्स पता करना है मुझे, गीगाबाइट के फॉर्म में पता करना है, तो जितने बाइट होते हैं 1 गीगाबाइट में उसको मैंने डिवाइड कर दिया, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो अपन को पता चल जाएगा कि कितना जीबी स्पेस अपने पास रिमेनिंग है। इसको देखते हैं रिफ्रेश करके, कॉपी
कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कॉन्केटनेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। स्ट्रिंग्स को अपन कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग और एक्सप्रेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा कॉन्केटनेशन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए 71 पॉइंट समथिंग बता रहा है, और यहाँ भी आप देखिए 71.3 आ रहा है, और यहाँ भी वही आ रहा है। सो दैट वाज दी ग्रेट, ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मंजिल मिल ही जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। अगर आप कोई भी काम पूरे तहे दिल से करते हो तो डेफिनेटली इट विल बी वर्किंग। सो नेक्स्ट अपन फंक्शन पढ़ने वाले हैं, दी डिस्क टोटल स्पेस। इससे अपन को डिस्क का टोटल स्पेस पता चल जाएगा, तो मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूँ। ऑफ दी स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, ठीक है। डिस्क टोटल स्पेस फंक्शन रिटर्न्स दी टोटल स्पेस इन बाइट्स, रिटर्न्स दी टोटल स्पेस इन बाइट्स ऑफ दी स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। तो ये हमें टोटल स्पेस बताता है बाइट्स के फॉर्म में, किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, जैसे अपन ने यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम स्पेसिफाई किया था, उसका हमें फ्री स्पेस पता चल रहा था। अब सिमिलर टू दैट, टोटल स्पेस यूज़ कर लिया, तो टोटल स्पेस कितना है, यहाँ पे केवल फ्री स्पेस आ रहा था, इसमें फ्री स्पेस प्लस जो स्पेस रिमेनिंग है वो दोनों मिला के टोटल स्पेस आ जाएगा। तो इसके लिए भी वही सेम, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, टोटल लिख दिया, टोटल स्पेस। यहाँ भी एक ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि इस आउटपुट के बाद चाहते हैं हम न्यू लाइन में आए, तो ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो टोटल स्पेस सी ड्राइव का पहले बाइट्स के फॉर्म में प्रिंट करवा दिया, फिर वही ट्रिक यूज़ किया कि हम इसको जीबीस में कन्वर्ट कर दें। तो हमने जो स्पेस अपन को इसने रिटर्न किया बाइट्स के फॉर्म में, इस फंक्शन ने, सी ड्राइव का या ई ड्राइव का, किसी भी ड्राइव का आप निकाल सकते हैं, सी ड्राइव का मैं स्पेस निकाल रहा हूँ, और बाइट्स के फॉर्म में वो स्पेस चले जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। फिर बाइट्स को अपन को जीबी इसमें कन्वर्ट करना है, तो टोटल बाइट्स जितने भी होते हैं 1 GB के अंदर, उससे डिवाइड किया और रिमेनिंग अपन को साइज पता चल जाएगा, टोटल साइज पता चल जाएगा इस बार, ठीक है। सो देखिए ये अपना बाइट्स के फॉर्म में आ रहा है, और ये आ रहा है किसके फॉर्म में, जीबी इसके फॉर्म में, ठीक है। देखिए मेरा 385 GB बता रहा है टोटल, तो अपना आउटपुट में कितना आया, आउटपुट में भी 385। सो दैट वाज द टुडेज लेक्चर, है ना। आज हमने दो फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन सीखे, डिस्क अंडरस्कोर फ्री अंडरस्कोर स्पेस, डिस्क अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर स्पेस, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। दैट वाज द प्रोग्रामर्स थिंकिंग, कि कैसे अपन, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज़ की आपको, किसी फंक्शन वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इस तरीके से ये नहीं सोचें कि ये तो डिस्क स्पेस तो अपन को दिख ही रहा है ना। तो हथियार अपने पास सारे होने चाहिए, है ना। रिक्वायरमेंट जंग में कब किस हथियार की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं रहता, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कोई भी आप अगर लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसका कम्प्लीटली सीखो, ठीक है। सारे फंक्शंस अपन को आने चाहिए, तो इसी तरह से मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस से रूबरू करवाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भेजते रहिए।